मैं किसी ऐसी लड़की से नहीं मिला जिसने मेरे प्यार की उतनी कद्र की हो जितनी मैंने उसकी की है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। ओह माय गॉश, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम दोनों कंपैटिबल नहीं हो, ये एक मजाक है। मुझे उसके साथ वो अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा जो होना चाहिए। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे लिए ये कोई मजाक नहीं है। वेलकम टू लव इज ब्लाइंड। पॉड्स अब ऑफिशियली ओपन हो गए हैं। बच्चों को सुनाने के लिए एक परफेक्ट स्टोरी है। मैं तुम्हारे डैड को किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान मिली थी, साथ ही 14 और लड़कों को डेट कर रही थी। बच्चे कहेंगे क्या कहा मामा। पहले किसी से प्यार हुआ? मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन लगता है सब मेरे पीछे पड़े हैं। ओह माय गॉड, रिलीजियस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं हूँ। सेक्स के बारे में बात कर सकते हैं? ओह माय गुडनेस, सो इंटेंस हो रहा है। हाँ, तुम्हारी आवाज़ सुकून देती है। हर लड़की आकर मुझसे यही कहती है, लेकिन सच में आज मैं कुछ डीप क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। मैं बचपन से ही मोटी थी और इसे लेकर हमेशा से इनसिक्योर रही हूँ। वो दिखने में जैसी भी लगती हो, मैं बस उसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। तुम्हारे हाथों में मेरी मॉम की एंगेजमेंट रिंग है शीना, मुझसे शादी करोगी? उम्मीद है सब ठीक हो, पर मामला बिगड़ भी सकता है। मैं यहाँ आया हूँ ढूंढने अपनी वाइफ को, और तुम भी तो बाकी लोगों से बात कर ही रही हो ना। ये बहुत ओवरवेलमिंग है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे भरोसा है हम दोनों बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। ये फेरी टेल जैसा है। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों शादी करेंगे। मैं कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी। तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख रहे हो। तुम टॉक्सिक हो रही हो, प्लीज ये सब मत करो। मुझे घर जाना है। मुझे ये नहीं करना। मैं जा रहा हूँ। क्या लव सच में ब्लाइंड होता है? मैं नहीं कर सकती। अभी यहाँ क्या हुआ?